जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आज हम देखेंगे आपके करंट अफेयर से। हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, जितने भी पुरस्कार मिले हैं आपके 2021-22 में, सभी के सभी पुरस्कार हम कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो जिस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो लेखपाल हो, पेट हो, वन रक्षक हो, या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। हम आपको बता दें कि भैया आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे, साथ ही क्विक रिवीजन की सीरीज हमने बनाई है, इसे देख लीजिएगा, बहुत फायदा आपके लिए करने वाली है। ठीक है, बहुत ही कम कम समय की वीडियो है, बहुत ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूपी करंट अफेयर दोस्तों आपको बता दें, इसमें हमने 120 प्लस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर कराए हैं, वो देख लीजिएगा। और अगर पेट की तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, पेट के लिए हमने बहुत सी क्लासें चला दी हैं। ठीक है, तो एक बार लेखपाल के पेपर होने के बाद फिर से हम पेट की क्लास लेकर के नए सिरे से फिर से आने वाले दोस्तों बहुत ही जल्द। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्या है पुरस्कार। चलिए मैं साथियों, पहले हम देखेंगे साहित्य के 2021-22 के पुरस्कार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, पहली बार किसी भारतीय को मिला है साथियों ये पुरस्कार। आपको बता दें किसको मिला है मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे गीतांजलि श्री भारत की हैं। पुस्तक का नाम क्या था, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत समाधि दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें रेत समाधि इनकी पुस्तक थी। ठीक है, तो दोस्तों इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो अमेरिकी अनुवादक थे डेजी रॉकवेल दोस्तों। तो दोनों लोगों को मिला है दोस्तों, मिक्स रूप से, संयुक्त रूप से दोस्तों। तो याद रखेंगे कि टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों इंग्लिश हिंदी में कहा जाएगा रेत समाधि, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी का दोस्तों उपन्यास है। आज तक कभी भी हिंदी उपन्यास के लिए दोस्तों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि जो गीतांजलि श्री है ना, ये अपने यूपी की है दोस्तों, मैनपुरी जिले से संबंधित है। तो याद रख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो दोबारा समझिएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, गीतांजलि श्री को, टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड साथियों याद रखेंगे, और किसके साथ में, डेजी रॉकवेल को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही इनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चलिए अगला है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसको मिला था साथियों, तो आपको याद रख लेना है डेविड ड्यूक को मिला था, फ्रांस के थे। पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक साथियों, क्योंकि आपको पता है कि 2021-22 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो अभी 2021 का ही चांस बनता है पूछे जाने का अगर हाल ही एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों दोस्तों देखिए 2021 में किसको, डेविड ड्यूक को दोस्तों, किस पुस्तक के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, और 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए किसको दोस्तों, गीतांजलि श्री को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए आपको पता है दया प्रकाश सिन्हा जी को। इनकी रचना का नाम है दोस्तों, इनकी नाटक है कौन सा, सम्राट अशोक के लिए, तो सम्राट अशोक जी को दोस्तों हिंदी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे दया प्रकाश सिन्हा की रचना है सम्राट अशोक दोस्तों, इनको मिला है दोस्तों 2021 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपके बीएड में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। ठीक है, अगला है अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया साथियों, तो नमिता गोखले को दिया गया। किस रचना क्या है, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दोस्तों। और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उपन्यास पंगू के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों याद लेंगे कि मेघा मजूमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दोस्तों किसको, असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था दोस्तों। वही 57वां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट है 2021 का,
ये दोस्तों मिला है किसको, कोंकणी उपन्यासकार किसको, दामोदर माउजो को, किसको, दामोदर माउजो को दोस्तों। दामोदर देखिए, दामोदर माउजो मतलब मोदी यार, दामोदर मोदी दोस्तों यार ले दामोदर है ना, दामोदर दास मोदी, तो मोदी से यार ले दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार सकता हूँ ना, किसको मिला है, दामोदर को, ठीक है, दामोदर है ना, मौजी दामोदर मोदी यार ले ना, इससे आपको ऑप्शन मिलेगा तो याद कर लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला 57वां, दामोदर मोदी को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा। कोंकणी देखिए, कोंकणी कहाँ की राजभाषा है साथियों, हमने कई बार बताया है गोवा की राजभाषा क्या है आपकी, कोंकणी है। चलिए अगला साथियों बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो डेमन गलगुट को मिला दोस्तों, ठीक है, अफ्रीका की है। और द प्रॉमिस के लिए दोस्तों इनकी रखना रखें, द प्रॉमिस किसकी है दोस्तों, किसकी है, डेमन गलगुट की, ठीक है। चलिए अगला साथियों जेसीबी साहित्य पुरस्कार दोस्तों एम मुकुंद को मिला, एक एम मुकुंदन को मिला, ठीक है। चलिए अगला है शेख जायद बुक पुरस्कार। देखिए यार कहेंगे शेख जायद बुक पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दोस्तों मिला है, ठीक है। रचना क्या है, अरबिक ओरेशन है ना, ओरेशन ऑर्ड एंड फंक्शन के लिए, ठीक है, किसको मिला है, तो याद रख लेंगे ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। चलिए आगे आपसे बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सरस्वती सम्मान 2021 दोस्तों, 71वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला है, रामदास मिश्र को। आपको बता दें इस बार फिर से दोस्तों इन्हें हिंदी में दिया गया है, हिंदी के लिए दोस्तों, ठीक है, समझिएगा, रामदास मिश्र को दोस्तों मिला है। देखिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी रचना क्या है इनकी दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ, क्या, मैं तो यहाँ हूँ दोस्तों, ठीक है, हिंदी उपन्यासकार है दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दोस्तों किसको मिला है, रामदास मिश्र को दोस्तों, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। रचना क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, और आपको बता 2020 में किसको दिया गया था, तो आपको बता होगा शरण कुमार लिम्बाले, क्या, शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों सनातन के लिए, ठीक है, किसके लिए, सनातन के लिए, मराठी का, ठीक है यार। देखिए आपसे पूछेगा प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला है दोस्तों, तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई, 1991 में, किसके द्वारा की गई, तो के बिरला फाउंडेशन, याद रखें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। और पहला ही सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को, उनकी चार आत्मकथाओं के लिए, ठीक है, बसेरिस्तूर, नेह का निर्माण, फिर है ना, दस द्वार से सोपान तक, इस तरह की जो चार दोस्तों क्या थी आत्मकथा उनके लिए दिया गया था। अगला है व्यास सम्मान किसको मिला दोस्तों, 31वां, तो याद रख लेंगे दोस्तों असगर वजाहत को मिला उनकी महाबली पुस्तक के लिए, ठीक है दोस्तों। व्यास सम्मान भी 1991 में चालू किया गया था, और बिहारी पुरस्कार भी दोस्तों 1991, तो तीनों दोस्तों 1991 में ही चालू किए गए हैं, याद रखेंगे। तो बिहारी पुरस्कार 2021 किसको मिला है, 31वां, तो मधु कांकरिया को दोस्तों मिला है। और पुस्तक कौन है दोस्तों इनकी, तो हम यहाँ थे, और आपको बता दें बिरला फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार, यह पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, बिहारी पुरस्कार, याद रखेंगे तीनों दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा व्यास सम्मान कौन देता है, सरस्वती सम्मान कौन देता है, बिहारी सम्मान कौन देता है, तो सभी के सभी तीनों पुरस्कार दोस्तों बिरला फाउंडेशन देती, कौन से बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, और याद रखेंगे तीनों पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1991 में की गई थी, ठीक है। अगला साथियों इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया, तो नितिन राकेश तथा जेरी विंड को, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, देखिए शांति पुरस्कार दोस्तों ये याद लेंगे, क्या, ये वाला याद रख लेंगे, गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों 2020 वाला याद रखेंगे, किसको मिला, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों, इन्हें हम बांग्लादेश का गांधी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में आजादी के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, याद रख लेंगे, किसको मिला है 2020 का दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों बांग्लादेश के हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो अजय शर्मा जी को, ठीक, नेल्सन मंडेला कौन दोस्तों, ये अफ्रीका के गांधी हैं, ठीक है। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं अगला पुरस्कार क्या है, चलिए दोस्तों खेल पुरस्कार से देख लेते हैं ना, राष्ट्रीय खेल 2021 पुरस्कार आपको पता होगा, ठीक है, देख वहां पे देखे सबसे बड़ा पुरस्कार अगर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल का दोस्तों, खेल का पुरस्कार अगर सबसे बड़ा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 12 व्यक्तियों को इस बार दिया गया, ठीक है। और इसकी राशि अगर कोई पूछे ना 25 लाख रुपए बता देना, क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, कितनी,
25 लाख रुपए दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि है। दोस्तों आप बता दें इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया दोस्तों। और कितने लोगों को मिला है तो दोस्तों याद रखेंगे 12 व्यक्तियों को इस बार दिया गया। किसको किसको, नीरज चोपड़ा दोस्तों, भाला फेंक एथलेटिक्स दोस्तों हरियाणा के हैं, गोल्ड मेडल जिताया था, ठीक है याद होगा ना आपको। रवि कुमार दहिया दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है सिल्वर मेडल दोस्तों कुश्ती में हरियाणा के हैं, ठीक। लवलीना बोहरगन दोस्तों आपको पता है मुक्केबाजी से संबंधित है, असम की है। टी आर श्रीजेश दोस्तों आपको पता होगा ये किससे है, हॉकी के दोस्तों गोल कीपर थे, ठीक है केरल से है दोस्तों। अवनी लेखारा दोस्तों आपको पता है पैरालंपिक में शूटिंग करती दोस्तों, और इन्होंने दो व्यक्तिगत मेडल जीत कराई थी, ठीक है गोल्ड मेडल है ना, दो व्यक्तिगत मेडल जीत कराए। सुमित अंतल दोस्तों ये भी आपको पता भाला फेंक दोस्तों पैरालंपिक में भाला फेंक में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है और ये दोस्तों हरियाणा के हैं, ठीक है। चलिए प्रमोद भगत दोस्तों पैरा ओलंपिक के हैं दोस्तों, उड़ीसा संबंधित है। वही कृष्णा नागर दोस्तों पैरालंपिक से, पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन से, ठीक है राजस्थान संबंधित है। और मनीष नरवाल दोस्तों पैरा शूटिंग से है दोस्तों हरियाणा से, ठीक है। वही मिताली राज आपको पता है इन्होंने संन्यास ले लिया हाल ही में, और साथियों सबसे ज्यादा विश्व कप खेलने वाली भी मिताली राज बनी है, सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने बनाया महिला में, ठीक है। तो क्रिकेट से संबंधित है राजस्थान से है, ठीक है। सुनील छेत्री दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछेगा सुनील छेत्री का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से साथियों इन्हें मिला है कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, यानी आंध्र प्रदेश से है ये दोस्तों संबंध रखते हैं। मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी के कैप्टन थे, पंजाब से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। हॉकी के लिए दो लोगों को किसको, श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को, ठीक है तो याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ने दोस्तों इस बार आपके ओलंपिक में कुछ ना कुछ किया है, ठीक है यहाँ पे मिताली और दोस्तों सुनील छेत्री को छोड़ करके, ठीक है। चलिए अब दोस्तों द्रोणाचार्य की बात करते हैं, इसमें 15 लाख रुपये मिलते हैं। देखिए दो प्रकार के पुरस्कार होते हैं द्रोणाचार्य में, एक दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है दोस्तों, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी के दोस्तों 5 व्यक्तियों को मिला 15 लाख रुपए मिलता है। एक है टीपी औसेफ दोस्तों एथलेटिक्स के लिए केरल के हैं, ठीक है। वहीं सरकार तलवार दोस्तों याद रखें क्रिकेट के हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश संबंधित है, ठीक है। वहीं सरपाल सिंह दोस्तों हॉकी के हैं पंजाब से, और आसान कुमार दोस्तों कबड्डी के हरियाणा से। वहीं तपन कुमार पाणिग्रही दोस्तों तैराकी कर्नाटक से, ठीक है साथियों। देखिए इसमें 15 लाख मिलते हैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला होता है, और नियमित श्रेणी वाले में दोस्तों 10 लाख मिलते हैं। तो दोस्तों राधा कृष्णन नायर पी को दोस्तों किसके लिए मिला है, एथलेटिक्स के लिए। देखिए कोच के लिए होता है द्रोणा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए होता है, ठीक है। सिक्किम के हैं, संध्या गुरुंग दोस्तों बॉक्सिंग के लिए हरियाणा के हैं, और प्रीतम शिवाज को दोस्तों हॉकी के लिए उत्तराखंड के, और जयप्रकाश नौटियाल को दोस्तों पैरा शूटिंग के लिए दोस्तों तमिलनाडु के, और सुब्रहण्यम रमन दोस्तों किसके हैं टेबल टेनिस के, सिक्किम से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए साथियों आपसे पूछेगा अर्जुन अवार्ड दोस्तों कितने व्यक्ति को मिला, 35 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है 35 व्यक्तियों को दिया गया है, और 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसमें आप कुछ लोग देख लीजिएगा कौन किससे संबंधित, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अरविंदर सिंह किससे हैं, एथलेटिक्स से, सिमरनजीत कौर दोस्तों मुक्केबाजी से, शिखर धवन दोस्तों क्रिकेट से, इंपॉर्टेंट है यार कहेंगे शिखर धवन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो शिखर धवन को यार रखेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी भवानी देवी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा करने वाली पहली महिला बनी जो कि ओलंपिक को दोस्तों तलवारबाजी का अपना लोहा दमाया था दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। मोनिका मलिक दोस्तों हॉकी से है। वंदना कटारिया दोस्तों बहुत फेमस चेहरा है हॉकी के लिए, याद रखेंगे वंदना कटारिया दोस्तों। संदीप नरवाल दोस्तों कबड्डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। हिमानी उत्तम परा दोस्तों ये मल्लखम से है दोस्तों, और अभिषेक वर्मा दोस्तों निशानेबाजी से, अंकिता रैना दोस्तों टेनिस से, दीपक पुनिया आपको पता कुश्ती से दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, दिलप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह दोस्तों, और रुपिंदर पाल सिंह, वही सुरेंद्र कुमार दोस्तों, अमित रोहिदास दोस्तों, वीरेंद्र लाकड़ा और सुमित नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह और दोस्तों विवेक सागर प्रसाद, गुरजत दोस्तों सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह और ललित कुमार उपाध्याय दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपको, उत्तर प्रदेश के हैं ललित कुमार उपाध्याय जी, ठीक है। और उसके अलावा वरुण सिंह, सिमरनजीत सिंह दोस्तों, ये सभी किससे हैं हॉकी से, पूरे हॉकी प्लेयर को दोस्तों दिया गया, ठीक है। उसके अलावा सुहास यथिराज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुहास यथिराज दोस्तों, इनको दिया गया है पैरा बैडमिंटन के लिए दोस्तों, कर्नाटक के, आपको पता है ये जो जिस समय दोस्तों ये ओलंपिक भाग ले रहे थे उस समय दोस्तों ये अपने यूपी नोएडा के दोस्तों क्या थे, डीएम थे। तो दोस्तों पहले आईएएस ऑफिसर दोस्तों जिन्होंने किसी फॉर्म दोस्तों क्या मेडल जीता है दोस्तों आपके ओलंपिक में, तो याद रखेंगे सुहास
यतिराज दोस्तों कहाँ के थे, तो नोएडा के डीएम थे, ठीक है। चलिए, पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है। अगला है सिंहराज अधाना दोस्तों, पैरा ओलंपिक के निशानेबाजी थे। भावना पटेल दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। हरविंदर सिंह दोस्तों पैरा तीरंदाजी थी। और दोस्तों योगेश कथुनिया दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक से हैं, ठीक है। निषाद कुमार दोस्तों पैरा एथलीट है, और प्रवीण कुमार दोस्तों पैरा एथलीट, और दोस्तों शरद कुमार पैरा हाई जंप से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए साथियों, देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में 2021 के बारे में, ठीक है। देखिए ज़्यादा कुछ जाना नहीं इसमें, कि भौतिकी के लिए दोस्तों किसको मिला था, तो क्लास हैसलमैन और दोस्तों स्क्यूरो मानेबो को दोस्तों दिया गया है। उसके अलावा जियोर्जियो पेरिसी को दोस्तों मिला है, ये मिला है भौतिकी का। साहित्य दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज्जाक बुरहान दोस्तों तंजानिया के हैं। कहाँ के हैं, तंजानिया के। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब्दुल रज्जाक बुरहान दोस्तों, ठीक है, किसके लिए, साहित्य के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों रसायन के लिए, तो बेंजामिन लिस्ट को और दोस्तों डेविड डब्ल्यू सी और मैकमिलन को दोस्तों मिला है, ठीक है, रसायन के लिए। चिकित्सा के लिए डेविड जूलियस दोस्तों और अर्देम पाटा पाउटियन, ठीक है, लेबनान के हैं ये, ठीक है। और शांति का मारिया रेसा और दमित्री आंद्रे एच यू मुराटो दोस्तों, ठीक है, ये रूस की हैं, तो शांति के मिला दोस्तों। अर्थशास्त्र का जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस और डेविड कार्ड को दोस्तों मिला है, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, सबसे एक पुरस्कार देखते हैं रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको मिला है, नीना गुप्ता दोस्तों गणित के क्षेत्र में, ठीक है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का है साथियों, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब साथियों देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी फिल्मों से देखेंगे, तो 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 दोस्तों, आपको पहले ये चीज़ रखना है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं, संगीत के क्षेत्र में। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो वी आर को दोस्तों, जॉन बैटिस्ट द्वारा ये बनाया गया, ठीक है। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम दोस्तों ए कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है साथियों, ठीक है। वही दूसरी बार निकी केस दोस्तों भारती ने बेस्ट न्यू इज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइटल का खिताब जीता है दोस्तों। और आप याद रखेंगे कि आरोज आफ्ताब दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला है 94वां ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, फिल्म का नाम क्या है दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुई है कोडा दोस्तों, इसके निर्देशक कौन थे, सियान हेडर दोस्तों। वही दोस्तों याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो विल स्मिथ है किंग रिचर्ड मूवी के। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, जेसिका चेस्टेन ना, किस मूवी का है, तो द आइज ऑफ टैमी फेस है ना। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो जैन कैपियन दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग के हैं, द पावर ऑफ द डॉग को, ठीक है। तो याद रखेंगे 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 दोस्तों किसने जीता, कोडा मूवी ने, किसने जीता है, कोडा मूवी ने। हीरो कौन है दोस्तों, यानी अभिनेता कौन है, विल स्मिथ। और दोस्तों अभिनेत्री कौन है, जेसिका चेस्टेन, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों, देखिए 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड और दोस्तों 75वां बाफ्टा पुरस्कार, दोनों में देखिए सिमिलरिटी देखिएगा। देखिए दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, द पावर ऑफ द डॉग, यहाँ भी द पावर ऑफ द डॉग है। और दोस्तों यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है दोस्तों, विल स्मिथ, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, विल स्मिथ दोस्तों, देखिए आपसे पूछेगा। और दोस्तों यहाँ भी विल स्मिथ है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे देखिए निकोल किडमैन है दोस्तों सबसे अभिनेत्री, और यहाँ पे जोआना स्नेकलॉन है दोस्तों, और यहाँ पे भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है दोस्तों, तो जैन कैपियन, और यहाँ भी जैन कैपियन। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद रखना साथी हूँ, ये आपका ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ये ऑस्कर अवार्ड है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की फिल्म कौन सी है, कोडा हो जाएगी, सबसे फिल्म कौन सी, कोडा। मगर दोस्तों गोल्डन ग्लोब को पूछेगा तो आपको द पावर ऑफ द डॉग बताना है, और बाफ्टा का पूछेगा वो भी द पावर ऑफ द
डॉग बताना, ठीक है। पूछे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ दोस्तों अभिनेता कौन है, कहीं भी पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, चाहे आपसे दोस्तों ऑस्कर अवार्ड पूछे तब भी विल स्मिथ, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछे तब भी विल स्मिथ, और पूछ ले बाफ्टा में दोस्तों तब भी विल स्मिथ ही होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछ ले दोस्तों जॉन कैंपियन यहाँ भी होंगे दोस्तों, ठीक है आपके, और जॉन कैंपियन यहाँ भी और जैन कैंपियन यहाँ भी, मतलब तीनों जगह दोस्तों जैन कैंपियन होंगे, चाहे वो आपसे जहाँ पूछ ले। मगर दोस्तों जो हीरोइन है ना, यानी हीरोइन मतलब क्या दोस्तों अभिनेत्री, वो तीनों जगह बदली हुई है दोस्तों। आपका जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें जेसिका चैप्टन है, ठीक है, और दोस्तों जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है निकोल किडमैन है, और दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार में जोआना स्कैनलन है ना, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या कहा गया है, अब देखिए ये वाला देख लीजिएगा, 52वां भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाएगा, गोवा में। देखिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहाँ थी, देखिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होते हैं ना उसको गोल्डन पिकॉक का अवार्ड देते हैं, तो रिंग वाइडरिंग है दोस्तों, ठीक है, रिंग वाइडरिंग है, जापानी फिल्म है दोस्तों। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है, तो जितेंद्र भीकूलाल जोशी दोस्तों गोदावरी के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, एंजेला मोलिना दोस्तों। और देखिए सबसे अनुकूल राज्य किसको माना गया है, तो ये आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म के लिए सबसे अनुकूल राज्य का अवार्ड किसको मिला है फिल्म शूटिंग के लिए दोस्तों, कि फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अच्छा राज्य कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। और फोकस देश कौन सा है दोस्तों, ब्रिक्स देशों को दोस्तों 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बनाया गया, ठीक है, चलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। और देखिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। चलिए वही बात करते हैं दोस्तों, सिक्स ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो द सन एबव मी नेवर सेट रूसी फिल्म है दोस्तों, एवं बराका दोस्तों दक्षिण मतलब क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष को, ठीक है, किसको, धनुष को, असुरन के लिए दोस्तों, धनुष को है ना, सबसे अभिनेता कौन, धनुष। और सबसे अभिनेत्री कौन है दोस्तों, तो लारा बोल्डोरिन है दोस्तों, ठीक है। वही निर्देशक कौन है, तो लूसिया मूरत दोस्तों, क्या, लूसिया मूरत दोस्तों ब्राजील की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर साथियों हम आईफा अवार्ड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, आईफा अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित किए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह के लिए दोस्तों विक्की कौशल को मिला है, ठीक है। देखिए इन्हीं ने ही उरी अटैक वाला भी मूवी बनाई थी ना, आप लोग पता होगा, ठीक है। तो विक्की कौशल दोस्तों कैटरीना कैफ के पति जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको मिला है कौन सा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सरदार उधम सिंह मूवी के लिए। और दोस्तों सबसे अभिनेत्री कौन है, कृति सेनन, ठीक है, कृति सेनन को मिला दोस्तों, सेनन को मिला है किसका, सबसे अभिनेत्री का। और निर्देशक कौन है, विष्णुवर्धन दोस्तों शेरशाह मूवी के, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मानी गई, शेरशाह दोस्तों, आप देखिएगा बहुत अच्छी मूवी भी है, ठीक है। और साथियों बेस्ट एक्टर दोस्तों सपोर्टिंग रोल में दोस्तों पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए दोस्तों मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। विक्की कौशल अभिनेता, कृति सेनन अभिनेत्री, और दोस्तों निर्देशक कौन, विष्णुवर्धन शेरशाह सूरी के लिए दोस्तों। और फिल्म कौन सी, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने शेरशाह शेरशाह ना। चलिए अगला 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 दोस्तों मुंबई में आयोजित हुआ है दोस्तों। फोकस देश किसको था, बांग्लादेश को हमने फोकस किया था। और देखिए गोल्डन संघ पुरस्कार किसको दिया गया, तो डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, संजीत नावेरकर को दोस्तों, शांता राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, संजीत नावेरकर को। चलिए अगला दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस फिल्म को मिला दादा साहब फाल्के, तो पुष्पा झुकेगा नहीं है ना, वो वाले को पुष्पा को मिला दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा, शेरशाह दोस्तों, शेरशाह ऊपर भी था यहाँ भी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दोस्तों फिल्म 83 दोस्तों आपको पता है कपिल देव के ऊपर बनी है, जो 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वहाँ भी कृति सेनन थी, और यहाँ भी दोस्तों कृति सेनन है मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है दोस्तों, केन घोष है दोस्तों, किस कौन है, केन घोष दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए आपको याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला, लता दीनानाथ दोस्तों मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, मोदी जी को, ठीक है। चलिए और सबको बताते हैं कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से दोस्तों क्या क्या सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या कहा गया है,
ठीक है। और देखिए जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था 2019 में रजनीकांत को दिया गया था, ये भी आप याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों यहाँ आप देखते हैं स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2022। देखिए स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसको घोषित करेगा, मेल में दोस्तों नीरज चोपड़ा को और फीमेल में दोस्तों मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू दोस्तों, भारत तोलन मालिक। और व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको? लवलीना बोरगोहेन को दोस्तों। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैराथलीट कौन है दोस्तों? अवनी लखेर लेखरा, ठीक है। और वहीं विशेष सम्मानता पुरस्कार दोस्तों प्रमोद भगत को दिया गया है, और विशेष पहचान पुरस्कार आरिफ खान को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों अजीत पाल सिंह को दोस्तों, ठीक है। ये हॉकी के पूर्व कैप्टन थे, ठीक है, इसको याद कर लेना। वही साथियों बात करते हैं कि लॉरियंस स्पोर्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में तो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? एलेन थॉम्सन हेरा को दोस्तों, जमैका की हैं। और स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मैक्स वेरिस्टा पेन दोस्तों, नीदरलैंड के, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों वहीं देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 किसको मिला है दोस्तों? तो किसको मिला था? तो स्पोर्ट में देखिए वुमेन में किसको मिला था? नाओमी ओसाका को, और दोस्तों मैन में राफेल नडाल को दोस्तों, दोनों टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 की बात करते हैं, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में कास्टन वारहोम को मिला दोस्तों, और वहीं एथलीट महिला किसको मिला? एलेन थॉम्सन और हेरा को ना। और दोस्तों ये याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार कौन किसको मिला था? अंजू बॉबी जॉर्ज दोस्तों, भारत की है, ठीक है। चलिए अगला देखते साथियों, अगला क्या कहा गया है कि देखिए खेल संबंधित जो चीज़ हमको लगेगा दोस्तों आपको बता दें, पहला क्या है दोस्तों कि बीसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको? शेफाली वर्मा को साथियों, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश दोस्तों ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता था दोस्तों, यही 2020 दोस्तों रानी रामपाल को दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको मिला था? पीआर श्रीजेश को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं साथियों टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का कहा गया दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करते हैं दोस्तों तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? 4 भारतीयों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पत्रकारिता क्षेत्र में जाता है किसको मिला है? दानिश सिद्दकी को मरणोपरांत, और दोस्तों इरशाद मट्टू अमित दवे और अदनान अबीदी को दोस्तों दिया गया है पुलित्जर अवार्ड। वही चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों ये भी मीडिया क्षेत्र में आता है किसको मिला है? तो आरिफा जौहरी को दोस्तों। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दोस्तों दानिश सिद्दकी को, ठीक है, दानिश सिद्दकी दोस्तों, देखिए ये भी इनको दोनों चीज मिले पुलित्जर और जर्नलिस्ट का ना, तो ये दोनों आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। अगला साथियों कि देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो दोस्तों शिंजो अबे को। कहाँ के हैं? तो जापान दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे दोस्तों, इनको दिया गया है कौन सा? याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों ये, ठीक है। वैसे व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसको मिला है? तो प्रोफेसर विनोद वर्मा जी को, ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, देखिए अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया है, ठीक है, ये अभी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, देखिए अगला पुरस्कार क्या है साथियों कि हिटली अवार्ड 2022 दोस्तों, और हिटली अवार्ड 2021 जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। देखिए 2022 में किसको मिला? चारू दत्ता मिश्रा को दोस्तों, हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए, याद रखेंगे किसको मिला है? चारू दत्त मिश्रा को दोस्तों, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। और वहीं दोस्तों 2021 में हिटली पुरस्कार किसको मिला था? तो निफ्लू फोम को दोस्तों मिला था, नागालैंड के ये क्या थे? पर्यावरणविद। आपसे पूछा है ग्रीन ऑस्कर किसको बोलते हैं? तो हिटली अवार्ड को दोस्तों ग्रीन अवार्ड बोलते हैं, ठीक, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते साथियों, आगे क्या है
साथियों आपसे पूछेगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो सिंथिया रोसेन जुबेक को। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हम साथियों बात करेंगे आपके लिए कि दोस्तों T into 2 अवार्ड किसको मिला है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों T into 2 अवार्ड, यहाँ पे दोस्तों टाइगर की संख्या दोगुनी हुई हो, ठीक है, तो किसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों पिछली बार किसको दिया गया था, तो पीलीभीत को दिया गया था, ठीक है, इस बार सत्यमंगलम को दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं, ठीक साथियों। हाँ, तो इनको याद रखेंगे। अधिकृत साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों DRDO किसको मिला है, तो हेमंत कुमार पांडे जी को। किसको मिला है, हेमंत कुमार पांडे जी को साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगर पूछेगा एबल पुरस्कार किसको मिला है, तो डेविड पार्नेल सुलिवन को दोस्तों, अमेरिकी गणितक है दोस्तों। एबल पुरस्कार किसको, किसमें मिलता है दोस्तों, तो गणित के क्षेत्र में, ठीक है। वही पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, देखिए प्रीतिजर पुरस्कार दोस्तों आर्किटेक्चर में मिलता है दोस्तों, किसे मिला है, तो याद रखेंगे फ्रांसिस केरे को, ठीक है। और दोस्तों भारत के किसको मिल चुका है ये, तो बाल कृष्ण दोषी को मिल चुका है, जिन्हें दोस्तों हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के नाम से दिया गया है एक पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे साथियों, आप देखिए इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे हमने वो आपको करवा भी दिए हैं, ठीक है। तो किसी अन्य में मिलते हैं दोस्तों, किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखिए अगर आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार प्लेलिस्ट में जा करके आप जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भी दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।